तो भाई आज कैसे अचानक आना हुआ? यही मैं भी सोच रही थी कि तू सोचे कि यार ये कैसे आ गई, तो कभी नहीं आती बहुत कम आती है ये मेरे पास सच में। तो सच बता रही हूँ, आज मैं तेरी हेल्प के लिए आई हूँ भाई। हाँ हाँ, और बोलो। मैं अपने मतलब से ही आई हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था, बताने की जरूरत नहीं है तो मेरी छोटी सी हेल्प कर दे। हाँ बिल्कुल, हमेशा रेडी हूँ मैं आपकी हेल्प के लिए। बोलो क्या काम है? यार मैंने बताया ना, जैसा कि मेरे कमिंग वीक मेरे घर एक किटी पार्टी है, हाँ तो हाँ मेरी कुछ हाई फाई फ्रेंड्स आ रही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो बहुत ही हाँ ज्यादा वो मतलब फिगर ओरिएंटेड। मेंटेन करने हाँ वाली ओके हाँ, तो वो थोड़ा सा ये है कि मेरे को कुछ ऐसी हेल्दी रेसिपी जो हाँ हेल्दी भी हो, यूनिक भी हो और जल्दी हाँ बन जाए सबसे। बिल्कुल। हाँ वैसे तो हमारे चैनल पे काफी ऐसी रेसिपीज मैंने डाली हैं, जैसे आप पीछे अभी मैंने आप ही के साथ ट्राई करी थी पापड़ी भेल की रेसिपी, हाँ हाँ वो हाँ भी एक हेल्दी में भी आ जाती है और जल्दी बन जाती है, तो आप वो ट्राई कर अरे सकते हमारी हो। लास्ट किटी पार्टी पे तुम्हारी ही बनाई मलाई चाप भी मेरी एक फ्रेंड ने ट्राई की थी और वो सभी ने लाइक की थी, तो मुझे भी यहीं से आइडिया आया कि मैंने कहा मैं भी भावना के पास जाके कोई रेसिपी पूछती हूँ बिल्कुल और वो ही बना के उनके आगे रखूंगी जिससे बिल्कुल कि उनको अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी कुछ ऐसी यूनिक सी बताती हूँ जो ना ही पहले किसी ने बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी, हाँ तो कुछ ऐसा। ऐसी यूनिक सी रेसिपी बनाएंगे तभी मजा आएगा, ताकि पता चले वेजिपीडिया वाले की बहन है भाई तो चलो फिर बनाते हैं आज ऐसा कुछ जो हेल्दी हो। लेकिन यार मैं पहले ही बता दूं, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो वो फ्राइड नहीं खाएंगी, वो मसाले अच्छा वाला नहीं खाएंगी अच्छा और कुछ पुराना भी नहीं खाएंगी। कुछ नया मैं चाहती हूँ कि नया बनाऊं कुछ तभी यूनिक सी उनको। रेसिपी हो, हाँ बिल्कुल। तो अच्छा अब कुछ यार तू फ्राइड भी नहीं सोच। होना चाहिए हाँ और मसाला भी नहीं होना मैदा चाहिए। मुदा भी नहीं होना नहीं चाहिए नहीं बीच नहीं में। बिल्कुल नहीं, वो अच्छा नहीं खाएंगी। अब कुछ ऐसा जो मैदा भी ना हो और फ्राई भी ना हो, ऐसा क्या मसाले बनाऊं? वाला भी ना हो। मसाले वाला भी ना हो, ये बड़े सारे टास्क इकट्ठे तभी नहीं तो यार आई हूँ तेरे पास कि तू ही कोई सोल्यूशन दे देगी दिए मुझे। बिल्कुल देखते हैं फ्रेंड, ये मैंने जो टास्क दिया है इसको भावना कैसे लेती है और कैसे, बिल्कुल ये इसके लिए भी एक टास्क है। और आप भी देखते रहिए, बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंदर और देखते हैं ये इसको कैसे झेलती है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना फ्राई किए ब्रेड रोल। वैसे तो ब्रेड रोल बनाने बहुत ही आसान है, पर आज के जो ब्रेड रोल हैं वो ब्रेड से नहीं बनने वाले। बिना ब्रेड के, बिना फ्राई किए आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल, जो स्पेशली आज प्रीति ने डिमांड की है कि कुछ ऐसी रेसिपी हो जो फ्राई ना हो। तो आज हम बनाएंगे बिना फ्राई किए हुए ब्रेड रोल। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिना ब्रेड के और बिना फ्राई किए ब्रेड रोल कैसे बनते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बिना ब्रेड के ब्रेड रोल कैसे बनेंगे। तू मुझे पागल बना रहे हो या सच में बिना ब्रेड के ब्रेड रोल बनेंगे? बिल्कुल भी पागल नहीं बना रहे, अभी बना के बताऊंगी तुम्हारे सामने कि बिना ब्रेड के ब्रेड रोल कैसे बनेंगे। तो ठीक है। तो यहां पर मैं पोहा ले रही हूँ, ठीक है? यहां पर मैं एक कटोरी पोहा का यूज करूंगी और यहां पर मैंने पोहा ले लिया है। और अब ना हम इसके अंदर पानी डालेंगे, और पानी इतना होना चाहिए बस जिसमें ये सोख हो जाए। पोहे में यहाँ पर पानी हम डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने पानी का यूज सिर्फ इतना किया है प्रीति इसके अंदर कि जितना ये डिप हुआ है। एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो बहुत ज्यादा पानी को सोख कर लेगा, ठीक है। तो अब पोहे में पानी डाल दिया है और अब इसको हम रख देंगे साइड में जब तक हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बॉयल आलू। तो यहाँ पर मैंने प्रीति दो से तीन बंदों के लिए मैं बना रही हूँ, ज्यादा मेंबर्स के लिए नहीं बना रही। उबले हुए आलू लिए हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ती बहुत सारी, जो खाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। और हम थोड़ी सी ऐड कर देंगे हरी बारीक कटी हुई मिर्ची और थोड़े से यहां पर मैं चॉप्ड अनियन कटे हुए बारीक प्याज वो इसके बीच में ऐड कर रही हूँ। अब जो लोग प्याज खाना नहीं पसंद करते वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब स्पाइसेस हम इसके बीच में ऐड कर रहे हैं। प्रीति आप डालो, आप कितना तीखा और फीका खाते हो उस हिसाब से। यहाँ पर हमने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर का यूज किया है। आप चाहें तो बीच में हल्का सा गरम मसाला कर सकते हैं टेस्ट के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए ना इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी, जिससे बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आता है। तो चलो अब यहाँ पे स्पाइसेस भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। लास्ट टाइम हम ना मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ किटी पे गई, तो वहां उसने आपकी मलाई चाप की वीडियो देख के और वो ही ट्राई की थी, अच्छा लेकिन माना सभी मेंबर्स को वो बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा मेरे घर किटी पे भी मैं
अपने मामा से ही रेसिपी सीख के और वही ट्राई करूंगी। बिल्कुल, और मुझे खुशी मिलती है कि जब लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं या उनको ट्राई करते हैं और अच्छा अच्छा फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग देखें और उसमें अपना फीडबैक जरूर दें कि उनको कैसी लगी। नहीं अच्छी लगी तो वो मुझे नहीं कभी बता सकते हैं कि अच्छी नहीं लगी या इसमें उनको क्या दिक्कत आई बनाते टाइम, ये सब शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर आलू को हम बिल्कुल देसी तरीके से हाथों से मैश करेंगे। लास्ट वीडियो में मम्मी आए थे, मम्मी का अचार मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, मैंने भी खा के देखा और बहुत टेस्टी लगा। मम्मी का वो अचार कनाडा तक गया है। वो मम्मी ने वहां पर अपने जो मेरी कजन रहती है उसके पास भेजा है और बहुत टेस्टी लगता है मुझे वो अचार, ना बहुत पसंद आता है। तो उसकी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो गाइस जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आलू तो बहुत बढ़िया से मैश हो चुके हैं और हमने वो सोक करने के लिए रखा था, तो 5 मिनट हो गए आप देख रहे हो। अब पानी इसका सारा गुम हो चुका है, पानी है ही नहीं इसके बीच में। तो सारा से आपने बताया कि आप इसको फ्राई नहीं करने वाले, नहीं तो ये बनेंगे कैसे, मैं तो यही सोच देखते जाओ। तो अब मैं प्रीति इसको अच्छे से हाथों से गूंदते हुए ना एक आटा गूंद लूंगी, दो टाइम इसका। हाँ, दो टाइम। अब प्रीति मेरे हाथ ना गंदे हो गए, इसमें आधा चम्मच से भी कम नमक डाल दो। ठीक है, मैं इसे अच्छे से गूंद रही हूँ हाथों से, ये इसमें हमने नमक डाला है। तो आधा चम्मच से भी कम नमक ही डालना हमने बस, कि एक फ्लेवर आ जाए हल्का सा, क्योंकि जब हम ब्रेड खाते हैं तो उसमें ज्यादा नमक नहीं होता। तो आप देख लो कितने अच्छे से एक प्रॉपर डो की तरह ही आ गए, प्रॉपर डो बन चुकी है इसकी। तो इससे ये भी अच्छा रहा कि हमने मैदे की ब्रेड ना यूज करके इसमें पोहा यूज कर लिया, तो ये एक हेल्दी में आ जाती है। बिल्कुल, और आप बता रहे हो कि इसको फ्राई भी नहीं कर रहे हैं, तो एक पॉइंट वो भी इसमें आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम बिल्कुल बिना फ्राई करे यूज करने वाले हैं। तो अब क्या करते हैं कि अब ब्रेड रोल को आप जैसे तो जो मर्जी शेप दे सकते हो, कई लोग गोल शेप में बनाते हैं ब्रेड रोल, तो आज हम ब्रेड रोल की जो शेप दे रहे हैं वो राउंड शेप देंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी, जैसे आपको अच्छा लगता है, तुम बताओ कौन सी शेप दूं। कोई भी, आप इसको थोड़ा सा वैसा ही ओवल शेप, ओवल दे सकते हो। हाँ। इस तरह की। तो अब ओवल शेप देने के लिए इस तरह से आलू की सभी हमने बैटर को इस तरह से ओवल शेप में बना देना। ठीक है, बहुत इजी है ये रेसिपी को बनाना और ना हेल्दी भी है साथ साथ, पसंद आती है सबको। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्रेड रोल्स नहीं बनाने हमने। वैसे भी भावना मैंने देखा है आपकी कई वीडियोस जो हैं उसमें आपने मतलब जरूरी नहीं है कि ज्यादा ऑयल के साथ बनाई है, तभी टेस्टी बनी है। कम ऑयल में भी अच्छी चीजें बनाई हैं आपने, जैसा कि मैंने देखा है लास्ट कुछ वीडियोस में। तो इसके अंदर भी मुझे ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा, क्योंकि जितनी भी मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं वो सभी बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। हाँ। वो फ्राइड नहीं खाती हैं, उनमें से मतलब सभी लोग ऐसे ही हैं कि जो फ्राइड सुनते ही मना कर देंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे ये अच्छी लगी और मैंने इसी को चुना कि मैं यही बनाने वाली हूँ। ये हेल्दी भी है और सबसे बड़ी बात है बहुत जल्दी बन जाती है, तैयार हो जाएगी। और हम जो वीडियोस बनाते हैं हमारा मकसद ही यही है कि हम अपने व्यूवर्स को एक रेसिपी को सबसे आसान कर बताएं और हेल्दी तरीके से बताएं कि वो घर पर कैसे बना सकते हैं। देखो बनाना तो सबको आता है, हर लेडीज को घर का काम आता है, पर उसी में कुछ नए तरीके से करना और आसान तरीके से करना ये चैलेंज होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो सारे मैंने इस तरह से आलू को बना दिया है। तो प्रीति मैंने यहाँ पर ना पोहा को अच्छे से आटे की तरह गूंद लिया था, जैसा कि आपने देखा। तो अब मैं यहाँ पर पोहे को, जैसे हम ब्रेड को पानी में डिप करके यूज करते हैं, तो इसे हमें पानी में डिप नहीं करना, इसे हाथों में इस तरह से अच्छे से फैलाना है। ऐसे हाथ में फैला लिया मैंने इसको, और अब जो हमने अपने आलू की बॉल्स बनाई थी ना वो इसके बीच में रखी और इसके ऊपर से कवर कर, मतलब उसकी एक लेयर दे दी, लेयर दे दी। अब ब्रेड नहीं लगाई तो ब्रेड की जगह पोहा आ गया, और मुझे लग रहा है पोहा होने के कारण ये थोड़ा कुरकुरा भी बनेगा, बहुत क्रिस्पी बनता है। आप देखना अभी बनेगा ना तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है। तो यार मैं ये सोच रही हूँ कि तुमको इतनी इतनी आइडियाज आते कहाँ से हैं? मेरे तो बच्चे भी तेरी कुकिंग के फैन है, बार बार आते हैं, कभी कुछ खा के जाते हैं और घर आके बार बार मुझे बोलते हैं कि मम्मी आप भी मासी के जैसा बनाओ। तो हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, उस टीम के जो मेंबर्स हैं वो है सिर्फ एक मेंबर। हम दोनों मिल के आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या बनाएंगे क्या करेंगे। तो लेकिन बहुत मेहनत का काम है यार, पहले वीडियो मतलब आपको पहले आइडियाज लेने हैं बनाने हैं और उसके बाद उसको पूरा वीडियो में बनाना। तभी मैं अपने व्यूवर्स को कई बार वीडियोस में कहती हूँ कि इसके पीछे की मेहनत बहुत है, तो आपको
कुछ नहीं करना, आपने फ्री में एक लाइक का बटन दबाना है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, कमेंट में कोई पैसे नहीं लगते, तो आप लाइक और कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ी सी और हिम्मत मिलती है कि हम ये काम को कर सकते हैं। तो इस पर भावना के साथ साथ मैं भी बोलूंगी गाइस कि आप ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए और वीडियोस देखते भी रहिए और इन रेसिपीज को ट्राई जरूर कीजिए। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि हम आपको आसान तरीके से सिखाएं और हेल्दी तरीके से सिखाएं ताकि आप हेल्दी रह पाए। तो अब देखो मैं सारे आलू और पोहे को इस तरह से तैयार कर लूंगी। तो यार भावना एक बात बताओ, जैसे जिस दिन आप वीडियो शूट करते हो तो उस दिन लंच या डिनर कैसे मैनेज कर लेते हो? क्योंकि मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को इस पे भी एक वीडियो बना के शेयर जरूर करूंगी कि हमारी जो होती है डेली की रूटीन क्या होती है, मैंने सोचा हुआ है। पर अभी क्या होता है कि सुबह मैं जैसे जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह उठ के घर का सारा काम कर लिया तो किचन हमारी फ्री हो जाती है और फिर हम किचन में अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका मतलब बच्चे या फैमिली निगलेक्ट नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं वो मैनेज करती हूँ। पहले उठ के बच्चों को जैसे कि ब्रेकफास्ट दे दिया, सब्जी बना दी दोपहर की और काम कर लिया अपना घर का। और जैसे कई बार होता है हस्बैंड का टिफिन जाना होता है और टिफिन पहले ही अपना रेडी कर लिया जिस टाइम दोपहर का टाइम होता है, फिर हम थोड़ा वीडियो से ब्रेक ले लेते हैं। कि अब बहुत अच्छा लगता होगा अपने काम के साथ साथ एक बार चीज करना, दोनों बहुत ही अच्छे से हैंडल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चों की। अब स्टडी को एंजॉय भी करते होंगे, बहुत मजा आता है मुझे वीडियोस बनाने में और वीडियो को शेयर करने में। तो अच्छा लगता है कि अगर आप बना रहे हो किसी को उससे फायदा मिल रहा है तो आप ऐसे काम कर सकते हो, अच्छा लगता है। और साथ साथ लोग उसको पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है मुझे। नहीं, मेरे पास कई फ्रेंड्स आती हैं, वो बोलती हैं कि आपकी सिस्टर बहुत अच्छी कुकिंग करती है, वो दिखने में भी अच्छी हैं, वो बच्चों को भी देख लेती हैं और वो कुकिंग भी इतनी अच्छी करती हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि मेरी सिस्टर भी वर्किंग है, इतनी एक्टिव है, तो अच्छा लगता है। और मम्मी को भी अच्छा लगता होगा जैसा कि लास्ट वीडियो में मम्मी बोला। अभी मम्मी की एक और वीडियो आने वाली है गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, गाजर गोभी का अचार। मम्मी फुल ऑन एक्साइटेड है, जो कि मम्मी की स्पेशलिटी है, और मम्मी फुल ऑन एक्साइटेड है कि वो वीडियो मेरे साथ कब शूट कर रहे हो। तो मम्मी ने बुलाया है मुझे अपने घर, जल्दी जाऊंगी और वो वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। वैसे मम्मी के अचार ना बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। मेरा तो मन था कि मैं कांजी की रेसिपी अपने व्यूवर्स के लिए शेयर करूं, मुझे कांजी बहुत पसंद है, कांजी बहुत टेस्टी है और वो तो मौसम भी कांजी वाला ही, मौसम भी कांजी वाला है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं अपनी ताई के साथ वो कांजी की वीडियो शेयर करूं, क्योंकि जो हमारी ताई बनाती है ना वो कांजी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर व्यूवर्स आप ही देख सकते हो और प्रीति आप ही देख सकते हो, ये देखने पे भी कहीं से नहीं लग रहे कि बिना ब्रेड के ब्रेड रोल्स बन रहे हैं। तो वैसे तो ब्रेड रोल बनाना बहुत आसान है। तो चलो अब बारी है, हाँ अब मेन इम्पोर्टेंट बारी है इसको कुक करने की। अब आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, पर यहाँ मैं फ्राई नहीं करने वाली। तो आप सोचे गए उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, तो बताती हूँ आपको वीडियो में। यहाँ पर प्रीति मैंने एयर फ्रायर का यूज किया, तो प्रीति मैं यहाँ पर इनको कुक करूंगी एयर फ्रायर के अंदर। यहाँ पर मुझे कोई भी ऑयल की जरूरत नहीं है, बिना ऑयल के इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे हमारे। तो इसको ऊपर से ग्रीस करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप चाहते हो तो हल्का सा इसको कर सकते हो। और इसका जो टेम्परेचर है मैं 180 रखूंगी यहाँ पर, और 180 पे मैं इसे पहले 10 मिनट के लिए कुक करूंगी। ठीक है, 10 मिनट का टेम्परेचर मैं लगा के चल रही हूँ। तो प्रीति यहाँ पर मैं एयर फ्रायर का यूज कर रही हूँ, मैंने इसे प्री हीट कर लिया है। और ये एयर फ्रायर मुझे मेरे डैडी ने गिफ्ट किया था, मेरे डैडी नहीं हमारे डैडी ने पर मुझे गिफ्ट किया था, और बहुत संभाल के यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और अब हम यहाँ पे अपने ब्रेड रोल्स के ऊपर हल्की सी शाइनिंग के लिए ना ब्रश लेंगे, और ब्रश के अंदर ऑयल के अंदर हम ब्रश को डिप करेंगे और बिल्कुल इस तरह से बस हल्की सी ऑयलिंग करनी है हमने। बहुत कम ऑयल देख रहे हो आप, सिर्फ टच कर रही हूँ मैं यहाँ पर, बस इतना सा ऑयल लगाया और हमारे को इसे बेक करने के लिए रखना है। तो यहाँ पर अब हम इसे ओपन कर लेंगे, मैंने इसे प्री हीट कर लिया है, और ना ब्रश से ना एक बारी नीचे ऑयल हल्का सा ना इसे टच करना है सिर्फ, ताकि ये नीचे चिपके नहीं, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ होता देख रहे हो जैसा कि आप। और इसके बीच में हम अपने रख देंगे, तो इसके बीच में हम ऐसे रख लेंगे अपने ब्रेड रोल्स को। तो एक बार में जितने ब्रेड रोल्स इसके बीच में आते हैं आप उतने रख सकते हैं, मुझे लग रहा है पांचों ही आ जाएंगे यहाँ पर, जितने हमने बनाए हैं सारे ही आ रहे हैं। तो प्रीति अब मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, और अब मैं इसको बंद कर दूंगी, और हमारी टाइमिंग है 10 मिनट और हीट है 180। तो प्रीति अब जितनी देर ये कुक हो रहा है चलो हम चलते हैं अपने गप्पे मारते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है
और ये अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन पे एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्रीति ये देख रहे हो आप, बनकर हो चुके हैं तैयार। और कितना आसान है इसको बनाना, बिल्कुल, और लग नहीं रहा कि इनको हमने फ्राई नहीं किया। हाँ, बिना फ्राई किए आप देख सकते हो कि कलर भी अच्छा आया है इस पे, और बहुत ज्यादा गोल्डन कलर नहीं आएगा, ये मैं अपने व्यूवर्स को पहले बताना चाहूंगी। लेकिन ऐसे ही फीका लग रहा है। मैंने वो इमली की चटनी की वीडियो भी देखी थी और मैंने वो घर पे भी ट्राई किया है, बन गई मेरी भी, अब रखी है। हाँ। जब भी कुछ बनाती हूँ साथ में ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके साथ भी उसको दो। हाँ हाँ, मैंने वो पहले से ही ना मैंने कटोरी में डाल के रखी थी कि मैं उसी के साथ सर्व करूंगी। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बनने वाले और बहुत ही हेल्दी हेल्दी तरीके से बनने वाले, बिना ब्रेड के, बिना मैदा के और बिना ऑयल का यूज किए हुए पोहे से बनने वाला एक परफेक्ट नाश्ते की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे अपने गेस्ट के आगे सर्व कर सकते हैं। जैसे कि प्रीति, मैं श्योर हूँ कि मेरी फ्रेंड्स इसको लाइक करने वाली हैं। हाँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आने वाले हैं। बिल्कुल, और वो भी भावना की फैन होने वाली है। नहीं, मेरे फैन नहीं बने, बस एक लाइक और एक कमेंट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उतना ही बहुत है हमारे लिए। ठीक है गाइज, इस बार मैं वीडियो को एंड करती हूँ भावना की जगह। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस रेसिपी को जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय बाय।